मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमवार को हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा जो है वो स्थगित हो गया है। उनका रामपुर के समेज समेत अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम अनुकूल नहीं होने से इस दौरे को स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री का फिर से मौसम खुलने पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने का कार्यक्रम बनेगा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे के सूचना मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को फोन पर दी गई थी और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा से निपटने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार दिखता नजर आ रहा है और आने वाले समय में आर्थिकी में तेजी से सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने साधन संपन्न लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती की है। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का प्रधानमंत्री की ओर से दौरा किया जाना था, जो कि आज स्थगित हो गया है। खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री का यह दौरा स्थगित हो गया है और आने वाले दिनों में जब भी मौसम अनुकूल होगा तो ऐसे में प्रधानमंत्री की ओर से दौरा किया जाएगा। खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री का यह दौरा टला है और आपको बता दें कि हिमाचल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा प्रधानमंत्री की ओर से किया जाना था। मौसम साफ होने के बाद प्रधानमंत्री दौरा करेंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा पीएम की ओर से किया जाएगा। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री की ओर से पहले भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया जाता रहा है और ऐसे में बात अगर वायनाड की करें, वायनाड में भी लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा पीएम की ओर से किया गया था। अब प्रधानमंत्री हिमाचल के दौरे पर भी रहेंगे और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, प्रधानमंत्री हिमाचल के दौरे पर रहने वाले थे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का प्रधानमंत्री की ओर से दौरा किया जाना था, हालांकि मौसम में खराबी की वजह से यह दौरा स्थगित हो गया है। और बात अगर फिलहाल हिमाचल की स्थितियों की करें तो फिलहाल क्या स्थितियां बनी हुई है? लगातार पिछले चार दिनों से बारिश हो रही है, बाढ़ बारिश का बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव जो है हिमाचल की पूरी रोड पर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। लोगों के लिए खाने की समस्याएं हैं, पीने रसद की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली के जो पोल हैं वो गिर गए हैं, पानी की जल जो है समस्या उत्पन्न हो चुकी है। तो इस तरह की समस्याएं हैं। और अगर हम प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें, जैसे ही वायनाड में प्रधानमंत्री का दौरा फिक्स हुआ था उसी वक्त ये पता लग गया था कि हिमाचल में भी, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा बड़ा सीक्रेटिव रहता है, उसमें सभी जनता को या प्रेस को शामिल नहीं किया जाता, परंतु मुख्यमंत्री ने आज भी जैसे अनौपचारिक रूप में बोल दिया, क्योंकि वो कैंसिल हो गया था इसलिए बताया गया, उसके उनके आने के बाद ये बात तय होनी थी कि वो मुख्य प्रधानमंत्री जो है वो हिमाचल का दौरा करेंगे, परंतु इस जिस तरह की अभी स्थितियां हैं लगातार अभी 15 और 16 तक जो है वो हिमाचल में ऐसा लग रहा है कि अभी और बाढ़ और बारिश का खतरा बना हुआ है। मौसम में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज जो है वो हर 5 से 10 मिनट में अगर आप नोट करेंगे तो 5 मिनट धूप है अभी, जैसे इस वक्त फिलहाल धूप दिख रही है मौसम में, परंतु 10 मिनट के अंदर ही जो है वो बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से स्थितियां बड़ी जल्दी परिवर्तित होती हैं। और इस बार जो है पहले अभी मौसम जो था वो बड़ा धीरे धीरे मानसून ने अपना रुख दिखाया था, परंतु लगातार पिछले चार दिनों से हम देख रहे हैं कि मौसम का बहुत प्रतिकूल प्रभाव जो है हिमाचल पर पड़ रहा है। जी अनुराग जी, केंद्र की ओर से सहायता का ऐलान किया गया है, आश्वासन दिया गया है, लेकिन बात अगर राज्य सरकार की करें तो राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें बहुत समय से हम ये बात को मांग कर सरकार से भी कर रहे थे कि हमें जो है हिमाचल को जो है रसद का जो जितना भी पिछला पैसा है, क्योंकि आपदा में कम से कम 15 से 16 हजार करोड़ का खर्चा जो था वो हिमाचल की गवर्नमेंट का दिया गया था, जबकि खर्चा जो होना था वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से स्थितियां ऐसी हैं कि, परंतु जिस तरह से केंद्र सरकार का सहयोग मिला है, सुखविंदर सुक्खू तक ने माना है कि हाँ केंद्र की तरफ से हमें सहायता मिली है तभी जो है हम जितने भी डेवलपमेंट के काम है वो कर पाए हैं। हालांकि अगर हम विभिन्न योजनाओं में देखें तो हिमाचल को भारत सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, 16 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा जो है इस तरह की छोटी छोटी स्कीम्स के माध्यम से वो पैसा आता है, और एनडीआरएफ फंड अलग होता है, एसडीआरएफ का फंड अलग होता है, तो इस तरह की जो जितने भी पैसे हैं वो गवर्नमेंट लगातार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, और खासी उम्मीद अभी भी इस बार भी की जा रही है कि हिमाचल को एक पैकेज दे दिया जाए ताकि जितना भी अभी, क्योंकि अगर आपने देखा होगा पिछले साल की बजाय हालांकि इस बार नुकसान कम है, परंतु 200 से ज्यादा घर जो है वो बह गए हैं, 85 से अधिक जो है वो सड़कें हमारी बंद पड़ी हैं, और भी नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा है, तो 114 सड़कें आज भी बंद पड़ी हैं और 100 पिछली थी, तो 214 से ऊपर जो सड़कें हैं वो आज भी हिमाचल में बंद पड़ी हैं। छोटे छोटे जितने भी रोड्स हैं या नेशनल हाईवेज हैं वो सभी, आपने देखा होगा पिछले कल जो है किन्नौर में पूरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कट गया था,
तो इस तरह से अभी जो है स्थितियां कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, परंतु अभी जो है 15-16 के बाद कुछ जो है मानसून थोड़ा धीमा पड़ेगा, तो हो सकता है कुछ वक्त जो है प्रधानमंत्री का दौरा दोबारा से सुनिश्चित किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित हो गया है, लेकिन आने वाले समय में प्रधानमंत्री की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया जाएगा।